वाह जी वाह, सुबह सवेरे वलीद भाई हमारे लिए नाश्ता रेडी कर रहे हैं, वो भी हनी वाला। क्या बात है जी, क्या बात है। अपनी शक्ल देखी है, क्या हुआ? ये नाश्ता मैं बनाऊंगा। तो और क्या यार, भूख लगी हुई है ना, खिलाओ हमें। सुभान, ये हमारे न्यू पेट बेबी बेयर के लिए है। अच्छा, उसे क्या क्या चीजें खाता है? क्या बेयर की लाइफ में दो ही चीजें होती है जो वो बहुत शौक से खाता है, एक तो ये एप्पल और दूसरा हनी। देख इसको मैंने बना लिया इसके ऊपर हनी की। क्या बात है जी, क्या बात है, आज तो बेयर बेबी के मजे होने वाले हैं। मजे। अभी तक हमारे जू में बेबी बेयर का घर तो नहीं बना, इसी वजह से हमने इस रूम में इसको रखा हुआ है। और भी देखो हमारे पीछे भागता है। सुभान, खाना दिखाना इसको। खुल जा, खुल जा। ओए आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, पीछे भाग रहा है, हमारे पीछे आ रहा है। नहीं नहीं, हमारे पीछे नहीं भागना। मुझे तो नहीं पता था यार ये इतना ज्यादा टेम होगा। ये तो बहुत ज्यादा टेम है, हालांकि जंगल से आया। देखो इंसानों की तरह बैठा है और उन्हीं की तरह ही खा रहा है। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। और यार मैं आपको बताता हूँ, आज मामू व्लॉग में नहीं आएंगे। यार मामू की ना ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती, आज से मामू की शादी स्टार्ट है। दूसरे चैनल मामू फैमिली पे व्लॉग आएगा, वो जाके देख लेना। शादी की वजह से वो बोल रहे हैं मैं व्लॉग में ही नहीं आता। भाई अपने नखरे हैं, मामू खोती चढ़ रहा है ना, इसी वजह से वो कह रहा है ना घोड़ी घोड़ी घोड़ी। हाँ घोड़ी चढ़ रहा है ना इसी वजह से। हाँ मामू की शादी में बहुत मजा आने वाला, आप सबने व्लॉग्स देखने हैं। यार अपने न्यू पेट बेबी बियर का आपसे नाम भी कल नहीं पूछा, आज आपने बताना है हम अपने बेबी बियर का नाम क्या रखें जो इतना क्यूट है। मुझे काट रहा है तू, मुझे काट रहा है। चल भाई बेयर, अभी तुझे हमने इस वाले केज में बंद कर दिया ताकि तुझे जू ले जाए। रख दे रख दे रख दे, थोड़ा सा वेट कर, फिर तुझे न्यू जू ले जाएंगे। भाई आपको सबसे पहले ना अपने न्यू जू की अपडेट मैं दे दूंगा, अभी वहीं जा रहा हूँ सीधा, तो उसके बाद ओल्ड जू चलेंगे। चलो जी बाहर आ चुके हैं, तो अभी दोस्तों हम अपने नेचुरल जू में आ चुके हैं और यहाँ पर तो दीवारों का काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मिस्त्री मजदूर मुझे नजर ही नहीं आ रहे। मिस्त्री मजदूर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वलीद भाई कहाँ नहीं चले गए, ये खड़े हैं। अच्छा, बारिश की वजह से यार रुके हुए थे काम सारा, मतलब बारिश ने बड़ा डिस्टर्ब कर रखा। देख यहाँ भी पानी भरा पड़ा, ये देखो यार जगह जगह पानी भरता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ स्टार्ट करवाओ दो। नहीं स्टार्ट, बारिश में काम नहीं हो सकता। इसका घर हम बताऊँ कहाँ बनाएंगे? कहाँ? इस वाली जगह पे, ये इधर इधर। अच्छा, जहाँ ये जो लाइन भी लगी हुई है ये जगह पर। इस जगह पर प्यारा सा छोटा छोटा घर बनाएंगे इसका। तो भाई आप भी सोच रहे हो कभी जू का काम रुकता है, कभी चलता है, रुकता है, चलता है, यही कुछ हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे, ये बारिशें कर रही हैं। बारिशों ने जू का काम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, रोका हुआ है। मिट्टी शिट्टी मजदूर भाई भी देखो फ्री वहां खड़े हैं, क्योंकि बारिश दोबारा ना आ जाए। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है, ये काम स्टार्ट करते हैं फिर बारिश आ जाती है, इसी वजह से काम रुक जाता है, तो आराम आराम से बन ही जाएगा। अब हम चलते हैं अपने ओल्ड जू, मतलब बिग जू, वहाँ और जितने भी हमारे पेट्स हैं ना, जिमी को खास तौर पे बेयर से मिलवाते हैं। बाय बाय न्यू जू। यार न्यू जू से निकल चुके हैं, अब अपने बिग जू जा रहे हैं। भाई आना जाना यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा आजकल डिस्टर्ब है, पड़े बहुत सफ़र है पड़ा। बस एक जगह जू हमारा प्रॉपर बन जाएगा, सब एनिमल्स को इकट्ठा करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई हम बिग जू आ चुके हैं, वो रहा हमारा सामने बिग जू और ये रहा हमारा बेयर। आए आज 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 बिग जू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये देखो यार सारा पानी 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 पानी, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। हाँ भाई बंटी इधर आ, बंटी क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है, इधर आ स्टैंड। ओ ये इससे डर रहा है, बेयर से डर रहा है। अभी तू कुकू भी डर गया, कुकू भी डर गया। पहले तो तंग करने आ जाता था, आज तो डर के वहां भाग गया है। ले ले ले, वहां सामने से डोली दिलबर पोनी हॉर्स, बताऊं इस तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहां बेयर आया पड़ा है, सब बेयर को देख रहे हैं। अभी हम बेयर को निकालेंगे, मुझे लगता है सब डर जाएंगे। तो भाई अब टाइम आ चुका है, आजो आजो कोको बंटी, तुम देख लो कौन है कौन है। ये डर के भाग जाएंगे अभी देखना, मुझे लगता है डर के दोनों भाग जाएंगे। डर पोक, वैसे ये बहुत आ गया आ गया आ गया, दूर हो जाओ। हवा निकल गई, कोको की हवा निकल गई। बंटी चुप चुप के देख रहे हैं, बंटी तो डरा हुआ है इस टाइम फुल। सूंघते सूंघते आखिरकार अपना बेबी बियर बाहर आ गया, देखो हो कितना प्यारा लग रहा है यार। सुभान, ये मेरा ड्रीम था यार, ड्रीम हमारा पूरा हो चुका है। हमारे जू के अंदर खेलता हंसता बेबी बियर, वो देखो यार वलीद भाई। सुभान, मैं सोचता था कभी हम बेबी बियर अपने जू ले आएंगे, तो आज मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। बाकी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है आप इमोशनल हो रहे हो। नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं है, खुश हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। बच्चे जैसा है ना। हाँ जैसे छोटा सा बच्चा नहीं होता, वैसे है भी ये इंसानों की तरह। बिल्कुल इंसानों की तरह, इसको हम जितना टेम करेंगे और ज्यादा टेम होगा। अब हम इसको ना छोड़ने वाले हैं, देखते हैं ये जू में क्या करता है, खुला छोड़े हैं। सारे पेट्स ना इसे डरे हुए हैं, देखो
दूर से बंटी बैठ कर इसी को ही देख रहा है। ये कितना क्यूट लग रहा है, देखो हाथों से क्या कर रहा है। आटा गूंद रहा है, आटा गूंद रहा है। तो ये ट्रेनिंग सिखाएंगे। उए। ये थप्पड़ मारते हैं वलीद भाई। नो, हम तेरे दोस्त हैं यार बेबी बियर, तू क्यों भाग रहा है? मैं इसे मुंह में उंगली डालूं? नहीं, उंगली नहीं बचेगी। हाँ सुबान, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, देखते हैं भाई। जा जा जा, तूने घूमना है, घूम 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 घूम। ये कहाँ जा रहा है? जाने दे जाने दे, नहीं गंदा हो जाएगा। तुम मिल लो, तुम मिल लो। देखो कोको, वो कोको तो पहले डर चुका है यार, वो तो आगे नहीं आ रहा। डर फोक। देखो इसको आप ऐसा करते हैं, जिम्मी से मिलवाते हैं। ना काट भाई, ना काट। ओ भाई आप तो, हम तेरे दोस्त हैं, हमें तो कुछ ना क्या है। ये देखो, ओए नाखून नाखून मार रहा है, नाखून बहुत तेज है। हाँ कहाँ जा रहा है ये देखते हैं। मुझे लगता है मुर्गी के अंडे उठाने जा रहा है। हाँ ये मामू वाले काम ना करे, सुबह ख्याल करना। हाँ इस पे नजर रखने के पड़ेगी हमें। बेर भी इंसानों की तरह होते हैं तकरीबन। जावेद भाई ना जिम्मी को ले आए हैं, चलो जी ले आओ इसको, बेर बेबी के साथ मिलवाए। आहा वो देख रहा है जिम्मी, बड़े गौर से देख रहा है जिम्मी। दोस्ती लगा ले यार, दोस्ती लगा ले, दोस्ती लगा ले। एटीट्यूड देखो, मुंह फेर के ऐसे खड़ा है जैसे बहुत बड़ा ये बादशाह हो। जिम्मी अपने आप को ना इस जू का मालिक समझता है, कहता सबसे पहले मैं आया था और मेरा कब्जा है। हाँ और उसको नखरेबाजी दिखा रहा है जिम्मी, दोस्ती लगा उसके साथ। ओए जिम्मी की, जिम्मी की भी फूंक निकल गई। चल आ जा। ओए हो कैसे मजे कर रहा है, लड़ा सुभान कैसे ठीक। ओए मुंह खोल के आ रहा है। बेर बेबी बहुत ज्यादा बदमाश हो गया, मुझे ना ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मुझे यहाँ इस हाथ पे बहुत जोर से काटा, ये देखो निशान भी आपको दिख रहा होगा, बहुत सूज गया। और यहाँ इसने पंजे मार दिए, ये देखो बहुत जालिम काटा है। इसको टेम करना मुश्किल होगा सुभान। नहीं टेम करना मुश्किल नहीं है, इसको 4 से 5 घंटे प्रॉपर देने पड़ेंगे, फिर ये हमारे साथ खुशी से खेलेगा। और यार मैं तो सोच रहा हूँ बेर बेबी को ना हम डोली पे राइड करा देते हैं, लेकिन आज नहीं। बेयर बेबी के साथ खेलते खेलते वलीद भाई की शर्ट पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से अभी अभी हमने शर्ट चेंज किया है ना वलीद भाई। मैंने शर्ट चेंज कर लिया यार, सुबह ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मैं इसको ना ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं समझ रहा। आप इसको ट्रेन करो, जब तक मैं बदखों को देख लूँ वो कैसे जी रही है। हाँ मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तू जा देख। लाइफ है तो इन डक्स की है, देखो पूरे बिग जू के अंदर तालाब बना हुआ है और ये मजे से अंदर घूम रही है, खा रही है, पी रही है, पूरे पौधे वगैरह भी इन्होंने खा गया है। यूनिफॉल भी देखो यार ऊपर बैठी। क्या हुआ? ओए ओए ये क्या? ओए ओए अटैक हो गया। ओए ओए छोड़ वलीद भाई पे। अरे ओए ओए क्या हुआ है? ओए ब्लड निकल रहा है। मैं इसे खिला रहा था यार, मुझे मेरे ऊपर चढ़ गया। ओए यार उठाओ वलीद भाई को, उठाओ यार बहुत जालिम काटा है। ये देखो यार, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की बेयर टेम हो जाए लेकिन नहीं हो रहा। कोको भी मेरे से हाल पूछने आ गया। हाँ हट जाओ कोको, हट जाओ, बेयर मेरी बात नहीं समझ रहा। ओ नो 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 यार, मुझे पकड़ है, मुझे ये मार रहा है। पीछे रहो यार, मुझे लगता है सब डर चुके हैं। कोको पहले बेयर ने मेरे ऊपर अटैक किया, देखो यहाँ मेरा खून निकल रहा है, अब कोको कर रहा था। काटने के बाद वलीद भाई की दोबारा से इसके साथ दोस्ती लग चुकी है, देखो अब दोनों आपस में लेटे हुए हैं नीचे जमीन पे मजे कर रहे हैं। वो अभी भी काट रहा है, लेकिन मैं इसको सिखा रहा हूँ भाई, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे बाप हूँ, बाप बाप की जगह हूँ। लेकिन ये नहीं समझने वाला वो आपस में कैसे सोए हुए हो। सुभान मैंने इसको काफी ट्रेनिंग दी है, इसको काफी समझाया, हार्ड वर्क था, पहला दिन था ना। अब मैं ऐसा करता हूँ इसको ना, मैं दूध शूध पिला देता हूँ। ये जंगलियों से है, जंगलियों की तरह ही है, जंगलियों ने इसको अपनी ट्रेनिंग काटने वाली मारने वाली दे रखी थी। वो तो इतने मजबूत थे, उनको काटता था उसको कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें काटा, देखो यार कहां कहां से इसने खून निकाल दिया वलीद भाई का। हाथ सूज गया यार, लेकिन इसको मैं अपनी तरह ही बना लूंगा। देख पहले दिन कितना टेम हो गया ना। अब देखो आराम से मेसना बन के बैठा है, जैसे इससे शरीफ कोई हो ही ना। अब इसके लिए मैंने दूध मंगवाया, ट्रेनिंग के बाद दूध पिलाना लाजमी है। पी गया दूध, चल आ जा पी लो, आला आ जाओ। कोको हटो, हट जाओ हट जाओ कोको हट जाओ। देखो यार चक 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 चक, तुम आवाजें सुन रहे हो इसकी, इतना मजे से। फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी बेबी बेयर के साथ, तो मैंने इसे फुल ट्रेनिंग दी है माशाल्लाह से। अब ये दूध शूद भी पी रहा है, और लेकिन इसने मेरे हाथ, मेरा मुंह, मेरी टांगे काट काट के जख्मी कर दिए, आप ये देख सकते हो। ओए होए, लेकिन मुझे उम्मीद है इसको मैं बहुत अच्छा टेम करूंगा। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, जो ये बेयर होते हैं ना ये वेजिटेरियन भी होते हैं, ये दूध भी पीते हैं, गोश्त भी खाते हैं, गोश्त खोर भी होते हैं, मतलब हर चीज ये खा जाते हैं, पानी दूध सालन रोटी चावल। अब मैं इसको बिस्किट खिलाऊंगा, देखो। ओ ये बिस्किट खा गया। अन यार तेरे हाथ में बिस्किट है, उसको क्यों तरसवा रहा है, खिला दे। खिला दूंगा, क्या हो गया है?
अभी देखना देखना सुभान ना इसको बिस्किट खिलाएगा अपने मुंह से, वो अपने मुंह से खिला रहा है। देखो मेरे से मुझे कुछ भी नहीं किया था, देखो भाई इसका मूड अभी अच्छा है बड़ा, जब इसका मूड घूम गया ना तो ये पकड़ लेगा ये। हाँ जैसे आपको पकड़ा है। हाँ आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।